अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फिजा फातिमा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ट्रू स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपका नाम? माय नेम इज काजल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है मालिक का। आपका नाम? मेरा नाम जी अरशद सोना। आप बताएं, आप इस ड्रामे में कौन सा प्ले अदा कर रहे हैं? इसमें मैं मैनेजर का रोल कर रहा हूँ जी। वैसे लगते तो नहीं आप मैनेजर? मसलन मतलब के आपकी शक्ल ऐसी लगती नहीं मैनेजरों वाली। अच्छा, वाली लग रही होनी। नहीं नहीं, मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है। तो फिर मतलब की बाड़िया नहीं होंगे थोड़ी जो नाले लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं। आपका गुड नेम? मेरा नेम जिनत अमान। अच्छा, आप बताएं आप इस ड्रामे में कैसा परफॉर्मेंस कर रही हैं? मैं तो अपने हिसाब से अच्छा ही कर रही हूँ। और क्या किरदार अदा कर रही हूँ? मैं ना यहाँ पे जो घर की मालक है ना उसकी फ्रेंड हूँ। आप बताएं ड्रामे में कौन सा प्ले अदा कर रही हैं? एक मुलाजमा का रोल प्ले कर रही हूँ और ड्रामा बहुत अच्छा है हमारा। घर की स्टोरी है, उसमें मालिक हैं, उसके बाद उनकी बेटी है, इस तरह से मैं घर के मुलाजिम है। अच्छा जी, आप बताएं कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? मेरा ख्याल है कि मैनू 22 साल हो गए होंगे इस फील्ड दे विच। ते कैसा तजर्बा रहा है? बहुत अच्छे, साडे डायरेक्टर बहुत अच्छे ने, जवेद राहत साहब, उन्होंने बड़ा अर्सा काम किया है। तो बस डायरेक्टर ही होंगे ने जिन्हों के सिर पर असी काम सीखने हैं। तो बड़ा अल्लाह का करम है जी, बहुत अच्छा। इससे पहले क्या करते थे? ये तो पहले मैं वेल्डिंग का काम कर रहा था और फिर उतो मैं शौक आया ड्रामे का, फिर मैं ड्रामे च आ गया, तो हूँ मैं ड्रामे कर रहा। देख लो, मैं तुम पहचान लिया सी ना? नहीं नहीं, पहचान सकते, साइंसदान लग रहे हो तुम। अच्छा, आप बताएं आपको शोबिज में आए कितना टाइम गुजर गया? मुझे हो गया 7 साल होने वाले हैं। आपने शादी वगैरह कर ली? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और करनी भी नहीं है? करेंगे, कोई अच्छा ही रिश्ता होगा तो। अच्छा, मतलब कि रिश्ते की तलाश में आ? हाँ, भी नहीं भी। और इसमें कौन कौन से फनकार किरदार अदा कर रहे हैं? जी लड़कियों में हमारे साथ 3 लड़की मेरे अलावा, उसका एक का नाम रोशनी है, दूसरी का नाम लाइबा, एक का नाम जिनत अमान है। अच्छा जी, तुसी अनफील्ड कदों छड़दे? ये तुसी इंटरव्यू कदों छड़ना मैनूं ये दस दिओ पहले। ए साडा हले स्टार्ट होया। नहीं जी, फीड जिन्ना तक जिंदगी उन्ना तक ते फीड करांगे, ते जदों फिर तुर गए ते फिर किन्ने फीड करनी है। जिहड़ा फनकार जदों दुनिया तों चला जांदा फिर कोई याद नहीं करता उन्हूं, तो बाकी तुसी उन्हूं याद करना है। ताड़ी ते यादा ही रह जांदियां फिर। हाँ जी, बस यादा ही रह जांदियां ने। जिहड़ा तुसी अच्छा काम कर रहे हो ते लोग फिर बहुत पसंद करदे ने, उन्हां नूं देखदे ने। हाँ जी, बहुत जी बहुत अच्छे, बड़े बड़े अच्छे रोल कीते ने, लोग याद करदे है। डांस परफॉर्म में आपको कितना बुरा सी? इसमें तो जितना सीखो उतना ही कम है। डांस से सीखते जाओ, बस सीखते जाओ। जिंदगी में ऐसे ही है, जो भी काम करना हो वो सारी जिंदगी साथ साथ चलता है। कोई काम ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे रुक जाए, न्यू से न्यू काम आता है। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि डांस एक ऐसी चीज है कि चेंज होती रहती है। आपने डांस खुद से शुरू कर दिया था या किसी से क्लासेस वगैरह ली? खुद तो जो आता था वो मुझे भूल जाता था, लेकिन मैंने उस्ताद रखा हुआ है अपना, मुझे सिखाते हैं। अभी फिलहाल नहीं सीख रही क्योंकि घर में थोड़ा सा काम है। आप ईद भी प्ले करेंगी? जी ऑफ कोर्स, ईद पे भी हम लोग प्ले करेंगे, क्योंकि अभी हम जो प्ले कर रहे हैं वो फैमिलीज़ के लिए हैं, कि फैमिलीज़ आएँ हमारा प्ले देखें, क्योंकि फैमिलीज़ बहुत दूर हो चुकी हैं हमारे प्ले से ना। तो हम लोग वो ड्रामा भी कर रहे हैं कि बहुत मतलब जुगतें इस तरह की नहीं है कि जिसमें फैमिली को बैठ के थोड़ी सी शर्मिंदगी हो या कुछ हो, फील हो। अभी बहुत अच्छे साफ सुथरे प्ले चल रहे हैं, मतलब केवल वैरायटी नहीं है इसमें। हाँ, सिंपल है, ख़त्म, सिंपल हो गया। तो हम भी चाहते हैं फैमिली हमें आके देखें, लोगों के बच्चे देखें, माँ बाप देखें, हमारा भी दिल करता है। एक मैं रोल किया साईं दा, वो मेरा बहुत अच्छा रोल है, तो अजे तक लोग याद करते हैं। चले फिर हमें थोड़ा करके दिखाई दे। वेखो ना मेरी गल सुनो, मैं इतने की करा, मैं नहीं समझ आन दी। वेखो ना तुम ये गल अच्छी नहीं रखती, मैं घर भी जाना, मेरी अम्मी इंतजार करन दी होनी, मैं जान दियो, मैं ध्यान दस दी जान दी। बस असल चे सी या रोल कर रहे सी? ए साइन कर रहा सी जी, मैं तुहानू साइन नजर नहीं आया मेरे पिछो, वो तो मैनू शक्लो ही लग रहे सी। कितना टाइम लगा आपको अपना डांस सीखने में? मुझे एक अगर सॉन्ग की बात करें तो 8 दिन लगाती हूँ मैं एक उस्ताद से सीखने, अच्छे वाला सॉन्ग सीखना हो, जो ऐसे आरू फारू जो फालतू डांस होता है वो तो यूँ हो जाता है। क्लासिकल वगैरह में देर लगती है? जी हाँ, कोई भी डांस हो उसमें देर लगती है। लोगों की फरमाइश है ज़्यादा क्लासिकल वगैरह देखने की या सिर्फ आम गाने जो होते हैं? पब्लिक का तो पता नहीं, जो मेरा दिल करता है मैं वही सीखती हूँ। शो भी इसके हवाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा। आपने शादी कर ली? जी नहीं, अभी मैंने शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। तुसी ईद ते की कुर्बानी कर रहे हो? मैं अपनी दे दियां कुर्बानी जी, हिस्सा पावांगा, कुर्बानी कर नहीं रहा मैं। लेकिन शक्ल ताड़ी बिल्ली कुर्बान करन वाली? नहीं, बिल्ली यही कर नहीं ना सकते, बिल्ली ते इंटरव्यू लैण डई है साडा। ए की हो गया, ते मैनू उल्टी गल लग गई है। तो कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है, वो थोड़ा सा गुनगुना के सुनाएंगे हमें? फिलहाल कोई एक स्पेशल तो नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये फील्ड है इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती, जो इन होता है सॉन्ग वो ही ज्यादा हम लोग करते हैं,
तो गुनगुनाना तो मेरे बस में नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपके आईज जेन्युइन है या लेंस लगाए हुए हैं? लेंस लगाए हैं, झूठ नहीं मैं बोलती। कि जैसे पहले ऑडियंस आती थी, इस दफा कम है पहले से? नहीं, ऑडियंस तो ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैमिलीज थोड़ा दूर हो गई है, वर्गैलिटी इसलिए खत्म कर दी गई है कि फिर फैमिलीज भी हैं। तो ऐ तो दसया नहीं कुर्बानी की कर रहे हो? कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, मैं भी झूठ मारा जो तफीक हुई देखांगे। तो आप बताएं ईद की शॉपिंग में क्या क्या आपने खरीद लिया? ईद की शॉपिंग में फिलहाल हमने टेलर को अभी से ही ऑर्डर दिया हुआ है, और दूसरे ड्रेस जो घर में पहने हैं वो तो अभी लाने हैं। वैसे भी इस ईद पे कहते हैं कि जानवर की कुर्बानी ज्यादा जरूरी है, बंदा कपड़े ना भी पहने तो ईद गुजर जाती है। नहीं, हमारा ये कपड़ों के बिना ईद नहीं गुजरती। सर जी आप बताएं कि आप इस दफा ईद पे क्या कुर्बानी कर रही हैं? लोगों की। ये क्या बात है, लोग बकरे कुर्बान करते हैं, गाय कुर्बानी करते हैं, ऊँट की, और आप लोगों की? देखेंगे। ईद पे क्या कुर्बानी कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, बकरे लेके आएंगे। मतलब कि बकरे का गोश्त ज्यादा पसंद है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ईद पे प्ले कर रहे हैं? इधर इधर तो नहीं करेंगे, दूसरे थिएटर में करेंगे। मतलब कि कुर्बानी भी करेंगे इधर थिएटर में, शो भी करेंगे, दो दो काम इकट्ठे? जाहिर सी बात है, सुबह कुर्बानी होगी, शाम को इधर आ जाएंगे। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? जी मुझे आपका चैनल बहुत अच्छा लगा, और मैं आपके चैनल की तरफ से बोलूंगी 4 News TV को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और बताएं कि हमारा इंटरव्यू कैसा लगा। शुक्रिया। थैंक यू।